Good afternoon to all of you. हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. अभी कहाँ हुआ, 4 बजा नहीं है. ठीक है, एक बार जितने लोग आए हैं सभी लोग लाइक करें और अधिक से एक बार प्लीज आप सभी लोग शेयर कर दीजिए. सभी लोग जो लोग बाकी रह गए सबको जोड़ दीजिए. हाँ, गुड इवनिंग अनमोल, आशीष सिंगडाला, हाउ आर यू? फाइन. हेलो सर. हाँ हाँ, मस्त है. आप कैसे हैं? डेविड वार्नर सही है? डेविड वार्नर साहब, आप कैसे हैं? ठीक है. जय हिंद. एक बार सभी लोग जितने लोग हैं लाइक करें और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 2 मिनट हम लोग, तब तक सभी लोग आ जाएं. थोड़ा आप लोग भी शेयर कर दीजिए, मैं भी शेयर करता हूं. चलिए, 10 लोग आ गए हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का. आप सभी को पता है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है अभी, वो यूपी कैटेट यूजी के बच्चों के लिए सीरीज हमारा है और हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे. तो आज आपको पता है कि आज हम लोग का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है. तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि इडेफोलॉजी के अध्ययन में क्या किया, मतलब किसे कहा जाता है, अध्ययन में किया जाता है, अध्ययन किया जाता है क्या? जल्दी बोलिए इसका आंसर. इडेफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मृदा विकास का, पौधे और भूमि के मध्य के संबंध का, या चट्टान का, या फिर फलों एवं सब्जियों का अध्ययन करते हैं. आप सभी को पता होगा कि जो फल का अध्ययन होता है उस फल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस फल के अध्ययन को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, पोमोलॉजी. क्या कहते हैं? पोमोलॉजी. और सब्जी का अगर हम अध्ययन की बात करें तो सब्जी के अध्ययन को कहते हैं हम लोग क्या, वेजिकल्चर. वेजिकल्चर, ठीक है, वेजिकल्चर. समझ में आया? तो ये वेजिटेबल का होता है कल्चर, उसको बोलते हैं वेजिकल्चर या भी वेजिटेबल कल्चर. चलिए, बी 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 सब लोग बता रहे हैं. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. हाँ, देखिए दो चीज होता है, एक इडेफोलॉजी, एक होता है पेडोलॉजी. क्या होता है? पेडोलॉजी. हिंदी में भी इसको हम लोग बोलते हैं पेडोलॉजी ही, पेडोलॉजी. और पेडोलॉजी का मतलब होता है कि जो हमारा पेड़ है, सॉरी, ये पेड़ से मतलब नहीं होता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं, मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं. जब हम लोग मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं, जब हम लोग किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं, और मृदा के साथ साथ अध्ययन करते हैं कि मृदा कहाँ से आई है, मृदा का ओरिजिन क्या है, मृदा का क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है, इसका उत्पत्ति क्या है, तब उसको बोलते हैं क्या हम लोग, पेडोलॉजी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी. और जैसे ही हम एक पौधा है, मान लीजिए इधर मिट्टी है और इस मिट्टी का संबंध इस पौधे से दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, इडेफोलॉजी. क्या बोलते हैं? इडेफोलॉजी. समझ में आया सभी को? तो याद रख लीजिएगा, जिन बच्चों को याद था अच्छा था, जिनको नहीं था वो लोग बी लगाएंगे आंसर. इसका आंसर बी होगा. चलिए आगे चलते हैं. यूपी कैटेट का फॉर्म कब भरें? जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा, उसी समय भर दीजिएगा. ठीक है, बोलिए. सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो आम की बीज रहित प्रजाति है. आम की बीज रहित प्रजाति क्या है? जल्दी बोलिए. अल्फांसो है, नीलम है, सिंधु है, या फिर अर्का अनमोल है? जल्दी बोलिए. आप सभी को पता होना चाहिए कि हमने बताया था कि कैसे कैसे अल्फांसो, नीलम कैसे कैसे क्रॉस करके होते हैं, भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. इसका आंसर डी बता रहे सभी लोग, सिंधु. बहुत बढ़िया. ये सिंधु जो वैरायटी है क्या है, सीडलेस है, यानी बीज रहित है. इसमें क्या है, बीज नहीं रहता है, बीज रहित. कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है और हम लोग जो अपने देश से सबसे ज्यादा बाहर भेजते हैं
आम को कौन सा आम होता है, तो वो होता है अल्फांसो। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो बताइए दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो याद रखिएगा कि आम्रपाली हम एक बार लिख देते हैं आप लोग को यहाँ पे सुविधा के लिए, आम्रपाली ये दिख रहा है ना, ठीक है। आम्रपाली क्या होता है कि दशहरी, क्या होता है दशहरी और किसका किसका नीलम, दशहरी और नीलम का क्या है ये क्रॉस है, ठीक है। रत्ना ये लिखा हुआ है रत्ना, तो रत्ना किसका क्रॉस है, तो रत्ना है नीलम और अल्फोंसो का। हमने कहा था ना आर आर एन ए, आर एन ए यानी आर बराबर क्या होगा एन गुणे ए, एन से क्या हो गया नीलम और ए से क्या हो गया अल्फोंसो। ऐसे ही सिंधु के लिए बताया था मैंने कि आर ए एस यानी आर गुणे ए बराबर में एस, यानी कि रत्ना और अल्फोंसो का क्रॉस करके क्या बनेगा सिंधु। और ये सिंधु कहाँ बनी थी, तो ये सिंधु बनी थी कहाँ पे हमारी, तो कोंकण कृषि विश्व कृषि विद्यालय कहाँ पे है महाराष्ट्र में। आइए एक है अर्का अनमोल, ऑप्शन में हमारे दिया हुआ है, तो अर्का अनमोल किसका किसका क्रॉस है, अर्का अनमोल, ठीक है अर्का अनमोल, अर्का अनमोल, ठीक है अर्का अनमोल के बराबर क्या होगा, तो अर्का अनमोल बराबर होगा अल्फोंसो, अल्फोंसो गुणे जनार्दन पसंद, क्या होगा जनार्दन पसंद, पी ए एस ए एन डी जनार्दन पसंद, जनार्दन पसंद और अल्फोंसो क्या होगा, ये होगा हमारा अर्का अनमोल, ठीक है। अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, जिन बच्चों को दिख रहा है वो बच्चे अपनी मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंगो वैरायटी का आपको आगे बहुत ज्यादा काम करेगा, ये चार पांच वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर आम्रपाली भी लिखा हुआ है, ठीक है सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है आम्रपाली, आम्रपाली क्या है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है डी इंटू एन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं डीएनए, डीएनए से प्रूफ बना हुआ है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, मैं इसको इतना प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत, ये जब भी आम से क्रॉस की बात आएगी तो आज तक सिर्फ यही पूछा गया है, एक दो तीन चार पांच, पांच क्रॉस पूछे गए हैं और पांच क्रॉस पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। इसीलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग आए हैं सभी बच्चों का स्वागत है, एक बार सभी बच्चे लाइक कर लें। बताइए ओरिजिन प्लेस ऑफ सुगर केन, गन्ना का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, बोलिए चीन है ब्राजील है अफ्रीका है या भारत है, जल्दी बोलिए गन्ना का ओरिजिन स्थान कहाँ पे है, गन्ना जल्दी बोलिए। अगर हम गन्ना की बात करते हैं तो गन्ना क्या है कि गन्ना हमारा क्या है एनुअल क्रॉप है, ठीक है। गन्ना के जो फूल होते हैं, जो फूल होते हैं यहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एरो, क्या बोलते हैं एरो। और गन्ना का बोटेनिकल नेम आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, इसका वनस्पतिक नाम क्या है और इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, सॉरी फैमिली क्या है, ओरिजिन प्लेस बताएंगे आप लोग। चलिए देखते हैं, डी बता रहे हैं तुर्की, डी बता रहे हैं सब लोग अफ्रीका, कुछ भी बता रहे हैं। देखिए क्या है कि हमको कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि ऑप्शन से देख के लगाना पड़ता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें ब्राजील दिया है, अफ्रीका दिया है, चाइना दिया है, तो चाइना होगा नहीं, अफ्रीका होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये वहां पे हो ही नहीं सकता है, और ब्राजील तो इतना ठंडा प्रदेश है कि वहां पे भी नहीं होगा। जो गन्ना होता है सबसे अधिक उत्पादन जो होता है पूरे विश्व में कहाँ पे होता है, तो क्यूबा में होता है, ठीक है। तो क्यूबा एक देश है, लेकिन वहां पे की क्या है, अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो हम लोग इसको इंडो, ये इंडो इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, इंडोनेशिया का, ठीक है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का मतलब कि इंडियन ओशियन प्लस एशिया, ठीक है। एशिया में जो एशियन रीजन है इंडिया के आसपास का, उसको हम लोग क्या करते हैं कि गन्ना का ओरिजिन प्लेस मानते हैं, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन इंडिया सही हो जाएगा, समझ में आया, यहाँ पे इंडिया ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। सैकेरम ऑफिसरम बहुत बढ़िया, आदित्य पाल लिखे हैं और डेविड वार्नर लिखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन बी एच यू कहाँ पूछा गया है, बी एच यू 2018 में, यही क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में,
नहीं विश्वास है 2018 का पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडिया, ठीक है। बीएचयू का ऑफिशियल आंसर में भी यही आया था, समझ में आया। हाँ तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन आया है, बीएचयू पूछा गया है, यूपी कैडेट में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आइए आगे चलते हैं, कजानस कजान किसका बोटेनिकल नेम है, बीएचयू 2018, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आज करा रहा हूं ना, ये सब बीएचयू 2018 के एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। कहां मिलेगा, एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चेकरम, हाँ इंडिया सही है, रोहित कुमार आ गए, बहुत बढ़िया। 24 डी बता रहे हैं सभी लोग, पिजन पी, पिजन पी बहुत बढ़िया। तो पिजन पी होता है, तो पिजन पी का बता दीजिए हमको, हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स। तो पिजन पी के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं हम लोग, क्या है तो पिजन पी क्या है, C3 प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, शॉर्ट डे, डीप रूटेड यानी गहरी जड़ वाला, ठीक है, डीप रूटेड C3 प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डीप रूटेड हो गया। उसके बाद क्या है, हाइपोजियल जर्मिनेशन, क्या है, हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। इसका जो अंकुरण होता है वो क्या होता है, हाइपोजियल होता है, क्या होता है, हाइपोजियल, समझ में आया, हाइपोजियल, हाइपोजियल होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो बताइए कि कॉटन, कैरोट और वीट का बोटेनिकल नेम कौन बताएगा, कौन लिख देगा तीनों का वनस्पतिक नाम एक ही बार कमेंट में, जल्दी बताइए, हम देखते हैं किसका आता है, एक का नहीं करना है, तीनों का करना है, गेहूं का भी, ये गाजर का भी, गेहूं का भी और कपास का भी, जल्दी लिखिए वनस्पतिक नाम कमेंट बॉक्स में, तो हम देख रहे हैं किसका सही है। चलिए, जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ, जो जीन होते हैं, हाँ 19%, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये लिखे हैं प्रजापति विवेक, विवेक का आंसर क्या है 19%। देखिए हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है कि हमारा क्या जो इकोनॉमिकल यील्ड है, क्या है, इकोनॉमिकल यील्ड, इकोनॉमिकल यील्ड, एक मिनट लिखते हैं, एच आई बराबर लिख लीजिए आप लोग, इकोनॉमिकल यील्ड, बटे में बायोलॉजिकल यील्ड, गुणे 100, ठीक है। अब इसको हम लोग कहेंगे क्या, कि जो हमारा आर्थिक भाग है वो, जिसको कि हम बेच के पैसा कमाते हैं या फिर कुछ लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिकल वाला भाग, और बायोलॉजिकल भाग को बोलते हैं हम लोग जैविक भाग, जो कि पूरा पूरा पौधा है। तो इसका आंसर बता रहे हैं टिटिकम एस्टिवम डायकस करोटा, बहुत बढ़िया। और क्या था एक, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, टिटिकम एस्टिवम वीट कैरोट का डायकोस कैरोटा, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए इसका आंसर क्या है, कि जीन किसका मिलके बना होता है, लिपिड का, प्रोटीन का, डीएनए का, आरएनए का। अरे अनमोल बाबू, प्रोटीन का कहां से बनने लगा जीन, जी ये जीन कब से प्रोटीन का बनने लगा, इसका आंसर होगा डीएनए। भाई जब जीन पढ़ते हो तो डीएनए के बारे में पढ़ते हो कि प्रोटीन के बारे में पढ़ते हो, प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन तो बना होता है एमिनो एसिड का, इसका, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डीएनए, समझ में आया। और ये डीएनए क्या होता है कि भी क्रोमोसोमल का सेगमेंट होता है, समझ में आया ना। तो यही कह रहा है कि जीन आर कंपोज ऑफ, जीन बना होता है किससे, तो डीएनए से बना होता है, समझ में आया। इसका आंसर हो जाएगा सी, हाँ सी सी सी, बहुत बढ़िया, आप समझ में आया, दोबारा गलती मत, हाँ गॉसिपियम स्पीसीज अभी बोटेनिकल ले, बहुत बढ़िया, ओरिजिनल एग्रीकल्चर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए एक बार डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म सभी लोग लिखेंगे, डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म, चलिए जल्दी कमेंट बॉक्स पे लिखिए। देखिए डायकस करोटा जो आंसर दिए थे, ये मंजीत पटेल है, अभिनव कुमार कन्नौज है, ठीक है, उसके बाद रितेश कुमार वर्मा है, मेज की प्रोटीन, प्रोटीन जो है जीन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सभी बच्चे अच्छा आंसर दिए हैं, तो आप लोग भी आंसर दीजिए जो मैं पूछ रहा हूँ। इसका आंसर डी बता रहे हैं, द लार्जेस्ट पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग क्रॉप, भारत में सबसे अधिक कीटनाशक खपत करने वाली फसल कौन सी है। कोई बात नहीं अनमोल, गलती करना अच्छी बात है,
तुम्हारा गलती करना बुरी बात है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक कीटनाशक खपत किस फसल में होती है? कपास में, गेहूं में, मक्का में, अरहर में? हाँ, बीएचयू फॉर्म ऑफलाइन ऑनलाइन आएंगे, अभी मार्च में आएगा, ठीक है, आएगा। कपास, कपास बता रहे हैं, ए ए आशीष सिंगडाला, ए गुलशन कुमार, मनजीत पटेल, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। एंड्रॉइड अनुज सबसे पहले आंसर दिए हैं, डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया एंड्रॉइड अनुज, ठीक है। हाँ, इसका जो आंसर होगा कपास होगा। क्या होगा आंसर? कॉटन। जो कॉटन होता है हम सभी जानते हैं कि इसी में इतना तेज इंसेक्ट लगने लगेगा कि उसी को रोकने के लिए क्या आया? बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन। बीटी का मतलब बैसिलस थिलोजेनेसिस कॉटन। इसमें क्या होता है कि जो बॉल वर्म होता है, जो हमारा बॉल वर्म, बॉल वर्म क्या है, एक प्रकार का कीटनाशक है जो कि कपास के क्या करता है, कपास के फूल को खत्म कर देता है, ठीक है, उसमें छेद कर देता है, उसकी क्वालिटी को खत्म कर देता है। तो इसी के प्रति रेजिस्टेंस के लिए, इसी की प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या हुआ कि बीटी कॉटन लाया गया। इसमें क्या होता है कि बैसिलस थिलोजेनेसिस से निकाल के उसका प्रोटीन उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, क्राई प्रोटीन को, समझाया। ये होता है मेज और पीजन पी, ये सब चीज में नहीं होता है। जो बच्चे लगा रहे हैं अरहर में वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, इन सब में ज्यादा पेस्टिसाइड नहीं होता है, सबसे अधिक कॉटन में होता है। चलिए याद कर लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कैल्विन साइकिल। हम कई बार बता चुके हैं आपको, एक होता है C2, एक होता है C3, एक होता है C4 और एक होता है गैर, ठीक है, का चार प्रकार के पौधे होते हैं। तो कैल्विन साइकिल को क्या कहते हैं? C2 साइकिल में देखिए, इसी को बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? फोटो रिस्पायरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि C2 में ग्लाइकोलेट बनता है, ग्लाइकोलेट, ठीक है, यह एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये अच्छा नहीं होता है, इसमें ATP नहीं बनता है। क्या होता है? ATP नहीं बनता, समझ में आया। C3 में क्या होता है कि PGA बनता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, तीन कार्बन का, कितने का? तीन कार्बन का, C3 का। इसमें क्या होता है कि OAA बनता है, C4, चार कार्बन का बनता है। इसका उदाहरण पूछा था कई बार, तो उदाहरण क्या है C3 का, हमने बताया था, कोई चार क्रॉप का नाम बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में जो C3 का उदाहरण हो, और कोई चार फसल का नाम बताइए जो C4 का उदाहरण हो। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है, तो इसका आंसर है C3, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। C3 हैच एंड स्लैग साइकिल किसको कहते हैं? C4 को कहते हैं। किसको कहते हैं? C4 को कहते हैं, इसी को। इसमें क्या होता है? फर्स्ट कंपाउंड क्या बनता है? तो OAA बनता है, कई बार पूछा गया है। जो चार क्रॉप का नाम बताइए जो C4 साइकिल है और C3 साइकिल है, और कैम प्लांट का भी नाम बता देंगे या कैम का फूल पंप बता देंगे, जिसको पता होगा अभी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, फॉस्फोरस इज नेसेसरी फॉर, बताइए फॉस्फोरस आवश्यक होता है किसके लिए? शाखा की वृद्धि के लिए, जीवाणु की विकास के लिए, जड़ की विकास के लिए, कवक के विकास के लिए? बोलिए तो फास्फोरस किसके लिए जरूरी होता है? पोटैटो पैडी C3, हमने चार पांच नाम बताया है, वीट बार्ले C3 सोयाबीन। चलिए C3 हो गए, C4 का नाम बताइए, मेज सोरगम सुगर के, और बताइए अनमोल, एकाक क्वेश्चन और एकाक नाम और बता दीजिए। चलिए पॉसिबल हो सके तो नाम बता दीजिए कार्ड फॉर। इसका आंसर बोलिए क्या होगा? फास्फोरस किसके लिए जरूरी होता है? आइए देखते हैं आंसर क्या आया अभी तक बच्चों का। गन्ना क्या बता रहे हैं इसमें? बी बता रहे हैं, बी जड़ के विकास के लिए। रोहिंदा रहे हैं जड़ के विकास के लिए। रितेश कुमार बता रहे हैं कि शाखा की वृद्धि के लिए, ठीक है।
प्रिंस कुमार बता रहे हैं बी, ठीक है, अखिलेश बता रहे हैं ब, शाखा की विकास से रोहित कुमार अब आ गए। नहीं देखिए, इसका जो आंसर है फॉस्फोरस जो जरूरी होता है ये किसके लिए होता है, तो ये जरूरी होता है जड़ के लिए, ठीक है। वैसे तो जो हमारा एनपीके था, एनपीके ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास जो हमारा प्राथमिक क्या था, प्राथमिक क्या था, प्राथमिक वो पोषक तत्व, ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व, ये सभी जो होते हैं पौधे के कुल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन विशेषतः किसके लिए होता है, ये जड़ की विकास के लिए होता है, ठीक है, इसका आंसर होगा जड़ की विकास के लिए। रोहित पहले गलत किए थे, सही किए थे, दोबारा गलती क्यों किए, इसी बात को एग्जाम में ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कई बार हम लोग सही करते हैं लेकिन दूसरों का देखा देखी हम लोग गलत कर बैठते हैं। आइए बताइए कि द मोस्ट सुटेबल क्रॉप रोटेशन टू इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, मृदा में पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाने के लिए उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है, जल्दी बोलिए। गुड इवनिंग रोमन, हाँ रोमन गुड इवनिंग, देर से आए अच्छी बात है, अब आए हो तो आंसर दीजिएगा अच्छे से, जल्दी बोलिए इसका आंसर क्या होगा। एक बार सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमने कहा था आप लोग दो तीन दिन से हमारा टारगेट पूरा कर रहे हैं, तो मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि आज भी करेंगे, 60 लाइक तक पहुंचाना है, अभी देखिए लाइक कम है, एक बार सभी बच्चे जाके लाइक कर दें जो नहीं किए हैं, ठीक है, जो नहीं किए हैं वो करेंगे, जो कर चुके हैं अच्छी बात है। तो इसका आंसर होगा बी, नाम से ही पता है भाई, मक्का जो होगा खरीफ में होगा, चना गेहूं रबी में होगा, मूंग होगा जायद में होगा, तो चना गेहूं क्या करेगा, चना जो है वो क्या करेगा, ये राइजोबियम क्या करेगा, ये राइजोबियम हमारे राइजोबियम, ये राइजोबियम क्या करेगा, हमारे खेतों में इनकॉर्पोरेट कर देगा, और वो राइजोबियम कैसे आएगा, तो इनके किससे, गांठ से, जो जड़ों में गांठ बनती है उस गांठ से आएगा, और क्या करेगा कि नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा हमारे सॉइल में, समझ में आया, सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो मिट्टी होगी वो उर्वरक युक्त, मतलब उर्वरक से भरपूर हो जाएगी, समझ में आया, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे बोलिए क्या होगा इसका आंसर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज फॉर राइपनिंग फ्रूट, बताइए किसको हम लोग यूज करते हैं फलों को पकाने के लिए, सभी क्वेश्चन किसके पूछे गए हैं भैया, तो ये बी एच यू के क्वेश्चन जो कर ले रहे हैं अच्छी बात है। हाँ दलहनी फसल है, दलहनी फसलों में राइजोबियम बहुत बढ़िया, रोहित कुमार वेरी गुड, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, ठीक है अच्छी बात है। 35 लोग देख रहे हैं अभी, 27 लाइक है, कोई बात नहीं कर देंगे सही बच्चे, बोले दीजिए। हाँ आशीष सिंह डाला बता रहे हैं डी, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बता रहे हैं डी डी डी, हाँ तो इजी क्वेश्चन है, डी होता है, समझ में आया। अब देखिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का मतलब क्या होता है, कि जो मैंगो में माल फॉर्मेशन रोग होता है, क्या होता है, माल फॉर्मेशन, ठीक है, मैंगो में होता है मैंगो माल फॉर्मेशन, तो ये मैंगो माल फॉर्मेशन को किससे कंट्रोल करते हैं, तो हम लोग नेफ्थलीन नेफ्थलीन एसिटिक एसिड से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट क्या है, ग्लाइफोसेट क्या है, इसका जवाब आप लोग देंगे अब हमको, ठीक है। एफसीसिक एसिड क्या करता है कि ये फलों को, ये क्या होता है कि फलों से मतलब पेड़ से पत्तियों का गिरना शुरू हो जाता है इसकी कमी से, ठीक है, पत्तियों का गिरना, ठीक है, हाँ एफसीसिक एसिड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसका जो आंसर होगा होगा डी, और इसी को पकाने के लिए इथिलीन होता है, और बोलिए ट्राई सेम, बहुत बढ़िया, ट्राई सेम TRYSEM एक योजना है भारत सरकार की, जो कब लागू हुई, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त कब लागू हुई बताइए, हम ही जब बता देंगे तो आप लोग क्या करेंगे, और इसका फुल फॉर्म क्या था, ट्रेनिंग
ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, क्या था, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नाम से ही पता है कि गांव के बच्चों को एक ऐसा ट्रेनिंग उपलब्ध कराना जिससे कि उनको खुद का स्वरोजगार मिल जाए, क्या मिल जाए, स्वरोजगार ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो आज कहते हैं ना मोदी जी आत्मनिर्भर, तो यही था आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर ठीक है। ये मोदी जी का आत्मनिर्भर था, वो कांग्रेस का आत्मनिर्भर था ठीक है। तो इसमें क्या था, देख रहा हूं किसका किसका आंसर आया है, 1979 बहुत बढ़िया 1979 ठीक है 1979, तो इसी समय ये शुरू किया गया था। इसमें ये था इसका योजना का लक्ष्य कि हर ब्लॉक से 40 बच्चों को, 40 ऐसे युवा जिनकी उम्र 18 साल से 35 वर्ष के बीच में है, 18 से 35 वर्ष के बीच में है, प्रति ब्लॉक से 40 कितने 40 लोग, जिसमें कि पुरुष प्लस महिला दोनों, पुरुष प्लस फीमेल ठीक है, पुरुष प्लस फीमेल दोनों हो, और इन लोगों को क्या किया जाए, इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाए कि ये अपने जीवन में कुछ कर सके और 4-5 लोगों को रोजगार भी दे सके और खुद भी रोजगार पा सके। समझ में आया, तो ये था 1979। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप देखिए कि डेपोग मेथड है वो पैडी में किससे संबंधित है, इंटरकल्चर यानी कि अंतर सस्य कर्कण क्रियाएं, कर्कण या बीज क्यारी तैयार होता है, या पौधशाला उगाना, या इनमें से कोई नहीं। जो बच्चे गलत किए हैं वो सही आंसर जान जाए, दोबारा से गलती करना बंद करें ठीक है। यहाँ पे गलती होगी कोई बात नहीं, कुछ बच्चे 78 लगाए हैं, कुछ 1979 लगाए हैं, कुछ बी लगाए थे, कुछ डी लगाए थे, कोई बात नहीं, रोहित लगाए थे 15 अगस्त 1979 सही है। बीज क्यारी से, और लोग गुलशन कुमार 12 का बी ठीक है, डेविड वार्नर 12 का ए, निकिता पटेल 12 का बी, रोहित कुमार बीज क्यारी से ठीक है। अरे भाई ये सीड बेड प्रिपरेशन हम करते हैं किसके लिए, सीड बेड प्रिपरेशन करते हैं नर्सरी के लिए या उगाने के लिए, तो जो मेन इसका मतलब था वो किसके लिए था, नर्सरी के लिए होगा, सीधी बात है कि अगर सीड बेड कर रहे हैं हम बीज क्यारी तैयार करें तो क्यारी किसके लिए तैयार करते हैं, नर्सरी के लिए, तो इसका मोस्ट ऑप्टिमम आंसर नर्सरी होगा। आंसर सही है निकिता पटेल का ठीक है, गुलशन कुमार का आंसर सही है, इन सही बच्चों का आंसर सही है जो 12 का बी लगाए हैं ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और हम बताए थे कि डेपोग मेथड कब आया था, तो डेपोग मेथड जो आया था ये 1980 के दशक में आया था, कहां से, तो फिलीपींस से, और इसमें कितने दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं, तो 12 से 14 दिन में, किससे, 12 से 14 दिन में क्या होते हैं, पौधे तैयार हो जाते हैं ठीक है, पौधे तैयार हो जाते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए। ऐसे क्या लगता है कि 25 दिन लगता है, लेकिन डेपोग में अगर हम ग्रो करेंगे डेपोग विधि से, तो डेपोग विधि से क्या होगा कि पौधा हमारा 12 से 14 दिन में ही क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जेली क्या है, अर्ध पारदर्शी, गैर पारदर्शी, पारदर्शी या यह सभी। हाँ 1980 में फिलीपींस से 12 से 14 दिनों में तैयार ठीक है, बहुत बढ़िया रोहित बाबू ठीक है। एक बार सभी बच्चे आके अपना अपना काम करते रहे, जो आपका काम है बार बार हमको बोलना ना पड़े। सी आंसर पारदर्शी, पारदर्शी बहुत बढ़िया, ट्रांसपेरेंट होता है। हमने कहा था कि जो जैम होता है ठीक है, एक होता है जैम एक होता है जेली, तो जो जैम होता है वो क्या होता है कि न ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ये होता है, समझ में आया, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ओपेक या फिर नॉन ट्रांसपेरेंट कई जगह आपको देखा हो मिल जाएगा ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट यानी कि अपारदर्शी क्या होता है, जेल, और जेली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है।
है। अब बताइए कि जो जेली होता है जेली को कैसे मापते हैं, तो जेली को मापने का एक यंत्र जिसका नाम है जेल मीटर। क्या नाम है? जेल मीटर। समझ में आया? जेल मीटर नाम है उसका, जो कि जेली को मापता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ट्रैक्टर्स आर स्पेशली मेड फॉर, जो ट्रैक्टर होते हैं विशेष रूप से बने होते हैं किसके लिए, किस काम से बने होते हैं, किसके लिए बने होते हैं? ढुलाई का काम, जुताई का काम, परिवहन का काम, या स्थिर कार्य? जल्दी बोलिए। जो आए हैं वो लाइक करें, ठीक है। अभी हम लोग को 10-15 क्वेश्चन करना है, जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग। हाँ, जैम गए पारदर्शी इसे जेल मीटर से मापा जाता है। सर जी बहुत बढ़िया, इसका आंसर है सी बता रहे हैं बहुत लोग। परिवहन का भैया सवारी ढोती है क्या? है ट्रैक्टर से सवारी ढोते हैं क्या? सवारी नहीं, नहीं ढोते हैं ट्रैक्टर से। कौन लगा रहे हैं सी बोरा के? ऐसे मत करिए, इसमें ज्यादा तो होता है जुताई का काम, ठीक है, जुताई का काम होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हॉलेज में भी यही ढुलाई में भी काम कर लेते हैं। स्थिर कार्य जैसे कि यहाँ मशीन लगी हुई है, कुट्टी काट लेते हैं यहाँ पे लगा के पाटा, यहाँ ट्रैक्टर लगाए हैं अपना, वो धान वो होता है ना स्टेबल, जैसे कि धान हम निकालते हैं तो उसके बाद उसका जो पुआल बच जाता है, पुआल से जानवरों को खिलाने के लिए उसको छोटे छोटे भागों में काट लेते हैं, तो ट्रैक्टर से भी करते हैं पुल्ली लगा के, तो वो भी काम करते हैं। लेकिन मेन इसका होता है जुताई के लिए, ठीक है। जब ऑप्शन 3-4 दिए हो तो मोस्ट अच्छा आंसर कौन होगा, सबसे बेहतर, उसको देखना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा कि ये 14 का आंसर हो जाएगा ए, टीलेज वर्क। आइए, फाइटो हार्मोन प्रोड्यूस बाय ए फंजाई, कवक द्वारा उत्पन्न पादप हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन है, जिब्राइलिन है, इथिलीन है, या साइटोकाइनिन है? जल्दी बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। हाँ, कल्टीवेशन में होता है, सब होता है, बट मुख्य कार्य जुताई ही होगा सर। बहुत बढ़िया रोहित बाबू, एक नंबर, ठीक है। पट्टा लगाना, हाँ रितेश बाबू, पट्टा लगाना उसको बोलते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण है, सभी लोग आंसर बी बता रहे हैं कि इसका आंसर बी होगा, ठीक है। और लोग बोलिए क्या हुआ इसका आंसर। क्या लिखे हैं ये, इनका नहीं समझ रहा है क्या, तो ऊपर चला गया, एक मिनट एक मिनट। चलिए बी सी फिर डिलीट किए, फिर कोई बात नहीं। तो 15 का बता रहे हैं सभी लोग बी बी बी, सभी लोगों का एक लाइन से गलत है। ये आंसर साइटोकाइनिन नहीं होगा, ये होगा जिब्राइलिन। और जिब्राइलिन किससे निकलता है, तो एक नाम है कवक का जिसका नाम है, लिख लीजिए कॉपी में, जिब्राइला। क्या नाम है इसका? जिब्राइला ट्यूजा, ट्यूजा कोरी, कोराई, ठीक है, जिब्राइला फ्यूजा कोराई, ये इसका नाम है। और इसी से क्या होता है, ये जिब्राइलिन निकलता है। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक ठोकिए, ठीक है। जिब्राइलिन होगा इसका आंसर सी, ठीक है, इसका आंसर होगा सी। चलिए आइए आगे चलते हैं। झूम कल्टीवेशन कहाँ पे किया जाता है, आमतौर पर जाना जाता है किस चीज से? झूम कल्टीवेशन आमतौर पर जाना जाता है किससे? हाँ, जिब्राइला से निकलता है रोहित बाबू, सॉरी, कोई बात नहीं, सॉरी यहाँ नहीं बोलना है, एग्जाम में बस गलती मत करिए। जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग आंसर। नेमिस पाले जी, नीरज पटेल, सभी बच्चे लाइन से गलत किए हैं, बताइए, सभी ए बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, कोई बी बता रहा है, सी कोई बताया ही नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आंसर देते रहिए, गलती है सही है, साइकोलॉजी का रूल है कि जब कभी हम लोग गलत आंसर बोलते हैं, अगर सही आंसर मिल जाता है तो हमको क्या होता है, वो याद हो जाता है, तो ऐसे में आप सभी बच्चों को याद हो जाएगा। चलिए
स्लैश एंड बर्न, इसको बोलते हैं, इसका आंसर होगा बी। बहुत बच्चों का बी आंसर आ रहा है, ठीक है। स्टेट चेंज करना, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा क्या? स्लैश एंड बर्न। ये झूम कल्टीवेशन कहाँ होता है? तो हमारे देश में होता है नॉर्थ ईस्टर्न भाग में, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र। नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र को हम लोग बोले तो उत्तर पूर्वी, क्या बोलते हैं उसको? उत्तर पूर्वी भारत, जिसमें कि क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश, असम, असम का भी कुछ हिस्सा है, पूरा का पूरा असम है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी किसमें आते हैं? ये सभी आते हैं आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अब यहीं पे क्या होता है कि झूम की खेती की जाती है। बताइए ग्रीन हाउस गैस, एक हरित गृह गैस क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है या हीलियम है, क्या है? जल्दी बताइए। हाँ, उत्तर पूर्वी भारत, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बोलिए, जल्दी बोलिए क्या होगा? बी बता रहे हैं, बी मिथेन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुलशन कुमार, पवन मंडल, निकिता पटेल, सुचित्र एंड रविंद्र कुमार, सचेंद्र एंड रविंद्र कुमार, हाँ इसका आंसर क्या होगा? मिथेन होगा। क्या होगा? मिथेन। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाइड्रोजन, हीलियम नहीं होगा, ये सब चीजें। अगला देखिए कि टमाटर की फैमिली क्या है? भाई लिलियसी किसकी फैमिली है? लिलियसी किसकी फैमिली है? और रोजेसी फैमिली के किसी दो फसल का नाम बताना है, किसी दो फसल का नाम बताना है जो रोजेसी में आती है। और लिलियसी किसकी, किसका कुल है, किस फसल का कुल है? और इसका तो आंसर सभी बच्चों को पता होगा, टमाटर का क्या करेंगे हम लोग? वानस्पतिक नाम भी लिखते चलेंगे। क्या करेंगे? वानस्पतिक नाम। जिसको नहीं याद होगा उसको याद हो जाएगा, और जिसको याद होगा उसका रिवीजन हो जाएगा। चलिए यही तो हमारा प्रैक्टिस सेट है। इसका आंसर होगा सोलेनेसी है, बहुत बढ़िया। और जो मैं पूछा हूं उसका आंसर दीजिए। ये भी इतना आसान क्वेश्चन कहां पूछा गया है भैया? इसमें पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, बीएचयू पूछा गया है। ओनियन, ओनियन की फैमिली लिलियेसी है। रोज, रोजेसी, ठीक है। गेंदा, गुलाब और लाइकोपर्सिकम स्कोलेंटम। देखिए द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, बताइए फ्लोएम का कार्य क्या है? हम लोग जानते हैं ना, जाइलम, एक होता है जाइलम और एक होता है क्या? फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम होता है। ये जाइलम का काम क्या होता है? रोजेसी का सेब, प्रिंस कुमार, ठीक है, लिलियेसी फैमिली है लिली, बहुत बढ़िया। रोज का, रोजेसी फैमिली है, ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। इसका आंसर दीजिए 19 का, जल्दी बोलिए 19 का आंसर। जाइलम का काम करता है, तो जाइलम का जो काम होता है ये पानी का परिवहन करता है। किसका करता है? पानी। भाई पेड़ों में पानी भी होता है ना, कि पानी जड़ से लेके, अगर मान लीजिए कि हमारा पौधा हो गया ये वाला, ऐसे ऐसे क्या हो गया, हमारा पौधा हो गया, अगर हम पानी देते हैं जड़ में यहाँ पे, तो इस जड़ से पानी को उठाकर यहाँ से इस पानी को ये सब भाग में यहाँ तक कौन पहुंचाता है, यहाँ तक कौन पहुंचाएगा? तो ये जो पहुंचाता है ये कौन होता है? ये होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। इसका आंसर बी लिख रहे हैं बहुत लोग बी लिख रहे हैं, और सबका गलत है, ठीक है। इसका क्या होगा कि ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर, चीनी का, सुगर का ट्रांसलोकेशन करता है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ सुगर करता है क्या? फ्लोएम। समझ में आया? फ्लोएम क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सुगर करता है, ठीक है, फ्लोएम परिवहन, सुगर का परिवहन करता है। जाइलम, फ्लोएम, खनिज लवण भी होता है, सुगर भी होता है, ठीक है। आइए
कैरोट किसका गुड सोर्स है बताइए, कैरोट किसका गुड सोर्स है, कैरोट में क्या सबसे अच्छा स्रोत है, गाजर एक अच्छा स्रोत है किसका, कैरोटीन का, फैट का, या लाइकोपिन का, या प्रोटीन का, जल्दी बोलिए। और इसी कैरोट के कारण, कैरोटीन के कारण क्या होता है कि क्या होता है, हल्का पीला होता है, ठीक है, हल्का पीला होता है हमने बताया था। और लाल किसके लिए होता है गाजर, तो एंथोसायनिन, हमने कल ही क्वेश्चन कराया था एंथोसायनिन, ठीक है। और हमने ये भी कराया था कि काला भी, काला क्या होता है, काला भी गाजर होता है, वो भी इसी के होता है, कांजी, कांजी एक उड़ीसा में एक बनता है भोजन का डिश है, वो काला गाजर से ही बनता है, ठीक है। चलिए, ये काला जो है लाल और काला होने के लिए दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या, एंथोसायनिन। और बताइए जो कैरोट होता है, कैरोट में क्या होता है कि विटामिन ए, क्या होता है विटामिन ए सी, हाँ ज्यादा कैरोटीन पाया जाता है, इसी कारण ऑरेंज रंग का होता है, बहुत बढ़िया, ऑरेंज रंग का। लाइकोपिन सभी को पड़ता है, कहाँ होता है, लाइकोपिन होता है टमाटर में, इसीलिए उसका लाल होता है। फैट सबको पता है, एरिकाइट काफी नट, प्रोटीन होता है दलहनी में, सभी बच्चों को पता होगा। चलते हैं आगे, हाँ टमाटर फ्रूट है, टमाटर का फल कैसा है, बेरी है, पेपो है, सोरिसिस है, कैप्सूल है। देखिए जो कैप्सूल है ना, कैप्सूल में हम लोग कर लेते हैं पहले भिंडी, क्या करते हैं भिंडी और आंवला, क्या होता है भिंडी और आंवला, ठीक है, भिंडी और आंवला के फल को हम लोग क्या कहते हैं, भिंडी और आंवला क्या कहते हैं, कैप्सूल। पेपो, पेपो कहते हैं किसको, खरबूज तरबूज, क्या कहते हैं, खरबूज और तरबूज, तरबूज। पोम, पोम होता है एक तो, ठीक है, वो किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं सेब को, क्या बोलते हैं, सेब को बोलते हैं पोम। अब देखिए ज्यादातर जितने भी होते हैं क्या, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी, ठीक है, कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी होते हैं उन सभी क्या बोलते हैं, पेपो ही बोला जाता है। अब बेरी की बात आती है, तो बेरी में क्या होता है, तो बेरी में हमारा क्या आता है, ध्यान से समझिएगा, अमरूद, ठीक है, ग्वावा हो गया, अंगूर हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा टमाटर हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया, पपीता हो गया, केला हो गया, ये सभी किसमें आते हैं, ये सभी आते हैं किसमें, बेरी में आते हैं, ठीक है। तो रोसिस में क्या आता है, पाइन एप्पल। चलिए जैक फ्रूट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कटहल कहते हैं। चलिए सभी बच्चे आंसर दें, सबको शायद सब लोग को यहीं पे याद हो जाना चाहिए, ठीक है, हाँ लतरने वाले पौधों को कुकुरबिटेसी कहते हैं। एफपीओ हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है, बीएचयू में आया है, यूपी कैटेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बताइए भारत में एफपीओ फलों का उत्पादन आदेश कब लागू हुआ, तो ये जो लागू हुआ था, आंसर देख लेते हैं, सब बेरी है, हाँ हाँ जितना गुद्दा है सब बेरी है। एक बार सभी बच्चे अपने अपने लाइक को थोड़ा सा बढ़ा दे, हमको बार बार ना कहना पड़े भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, नहीं गलत है, इसका आंसर होगा ए, 1955, कब होगा, 1955, 1955 में क्या आया था, ये फूड प्रोडक्ट ऑर्डर इसी समय आया था, इसेंशियल एंड कमोडिटी एक्ट, ECA, वही अभी ECA, इसेंशियल एंड कमोडिटी एक्ट जो भंडारण का था उसको खत्म कर दिया गया था, उसी समय ये भी आया था। हालांकि खैर आपको इसको नहीं मतलब है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन इससे मतलब है 1955 वाले से। तो क्या हुआ कि फलों के उत्पादन पे सरकार ने कुछ अपना नियम कानून थोप दिया था कि कैसे उत्पादन होगा, क्या इसकी शर्तें रहेंगी, ताकि अच्छे से और गुणवत्ता में सुधार हो सके। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप्स इज इन, देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतर
क्वालिटी का जो दारू होता है बेहतर शराब किससे बनती है, वो बनती है अंगूर से, किससे बनती है अंगूर, समझ में आया। तो अब ये वहां पे कहां होता है, वो होता है इधर आपका ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्री में, इसमें तो एक भी यूरोपीय देश का नाम ही नहीं है, इटली का नाम है और यूएसए है, इंडिया है, चाइना है। आंसर बोलिए क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बी बता रहे हैं सब लोग, इंडिया, इंडिया और यस सर। और वो मेरा 23 का डी बता रहे हैं, यूपी कैडेट का फॉर्म आएगा सर, हाँ आएगा भाई फॉर्म आएगा, जल्दी बोलिए आंसर। अनमोल डी बता रहे हैं चाइना, डी नहीं भाई। इसमें देखिए आंसर की जो बात कर रहे हैं तो आंसर इसमें इटली भी हो सकता है और इंडिया भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी की अगर बात किया है, और रोहित कुमार भारत बता रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, अगर बेहतर आंसर का हम लोग कल्पना करें, एक मिनट, देखिए बेहतर आंसर का हम लोग आंसर करें तो क्या होगा, इसमें इंडिया हम लोग टिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे इंडिया, ठीक है, इंडिया का टिक लगाएंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि अमेरिका में यही एक दक्षिण अमेरिका का देश है, और उसी अमेरिका में क्या है, पेरू, पेरू, और उसी पेरू से क्या है, आलू है, और क्या है, आलू है और टमाटर है, ठीक है भाई। हमारी दुनिया में 1605 के पहले आलू नाम की चीज नहीं थी, हम लोग शकरकंद खाते थे, हुआ ये कि वही पुर्तगाली लोग आए और लेके चले आए इंडिया में, तब से यहाँ पे ग्रो होने लगा तो खाने लगे आदमी, अब आज देखिए मुख्य भोजन बना हुआ है। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज किससे होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, या फंजाई से। हमने बताया था कि बैक्टीरिया से क्या होता है, कैंकर और सिट्रस, हमने कहा था ना सिट्रस कैंकर, और वायरस से क्या होता है, तो बहुत सारा रोग है वायरस से होने के लिए, टंगरो है, ठीक है, टंगरो है, ग्रासी स्टंट है, ठीक है, ग्रासी स्टंट, ये सभी किससे होते हैं, ये सब वायरल डिजीज है, ठीक है। पाइलोडी है, पाइलोडी ये भी होती है वायरस से, तो इसका आंसर क्या है, एक मिनट जल्दी बताइए। हाँ बी बहुत बढ़िया, फंगस, इसका आंसर क्या है, कवक, एक नंबर फंगस इसका आंसर सही है, जिसका भी है। आइए आज के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, कि विक्टर इन कॉलीफ्लावर, भैया एक्सेस ऑफ बोरोन, डिफिशियंसी ऑफ बोरोन, एक्सेस ऑफ मॉलिब्डेनम, डिफिशियंसी ऑफ मॉलिब्डेनम, बताइए बोरान की अधिकता से या बोरान की कमी से, ठीक है, मॉलिब्डेनम की अधिकता से या कमी से, किससे होती है। हाँ कवक से पाउडर मिल्ड्यू, कब फॉर्म कब आएगा, आ जाएगा भाई, फॉर्म का इंतजार मत करिए, फॉर्म भरने मात्र आधा घंटा लगता है, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए आधा साल पढ़ना पड़ता है, ठीक है, इसलिए पढ़ाई करिए। डी बहुत बढ़िया, डेफिशिएंसी हो, हाँ निकिता पटेल का सी, अरे ये एक्सेस थोड़े होगा, ये डिफिशियंसी होगा ना, कम होगा, यहाँ पे कम लिखा हुआ, ये ज्यादा लिखा हुआ, एक्सेस मतलब ज्यादा, तो ज्यादा होने से रोग नहीं होता है, ठीक है, कम होने से रोग होता है, समझी निकिता। तो ये क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ मॉलिब्डेनम के कमी से होता है विक्टेल, ठीक है। चलिए और बोरोन की कमी से क्या होता है, तो ब्राउनिंग, क्या होता है, ब्राउनिंग, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, ठीक है, इसकी कमी से होता है, बोरान की कमी से। तो क्या आप लोग पहुंचाए, 500 नहीं पहुंचाए, 3 लाइक कम है पहुंचा, कम से कम 50 तो पहुंचा दीजिए, 50 पहुंचाइए इसको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से सुनने के लिए, बने रहे कुछ बच्चे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा चीज सीखा होगा, जो आपकी आगे की पढ़ाई के लिए काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू।